अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? सब क्या ठीक है? मैं जी डेरे पे आज दो एक दिन बाद आया हूँ, तो व्लॉग भी नहीं बना रहा था, कामों में ही काफ़ी मसरूफ। तो बस अभी ऑफिस जाने से पहले डेरे पे आ गया हूँ। मैं कह जाते हैं घोड़े छोड़े देख लें तो फिर ऑफिस चलते हैं। लाइनअप अब चेंज कर दिया है घोड़ों को, पहले यहाँ में सुल्तान को किया हुआ था, नुकरे को अभी नुकरे को सबसे पहले कर दिया, उसके बाद शाने सुल्तान को कर दिया, उसके बाद ये जो नया घोड़ा वशेरा लाए हैं, उसके बाद ये है, इसका नाम जी सब कह रहे थे कि भाई या यादे सुल्तान रखें या यादे फ़ख्र सुल्तान रखें, तो इसका नाम हमने रखा है जी यादे फ़ख्र सुल्तान। ये जी यासूब, फिर इसके बाद आ गया जी इब्ने मोर। नुकरा साहब कहते हैं भी यार पहली पहली जगह भी ठीक लगता है। ये देखें जी, पहले से कुछ बात भी हो गया लेकिन अभी साथ साथ खाएगा, खड़ा रहेगा काफी कुछ अरसा, उसके बाद ही फिर इस पे कुछ सवारी शवारी शुरू करेंगे। उस्ताद माशाल्लाह इस पे सवारियाँ शुरू हो गई हैं, इस पे कल सवारी हुई है शाने सुल्तान पे, तो बस ऐसे 5-6 दिनों तक इसकी पट्टी की भी वीडियो आपको दिखाएंगे। बेटा शाबाश, इसकी इंशाल्लाह आपको पट्टी की भी वीडियो दिखाएंगे फिर, और इंशाल्लाह कोट फतेह खान वाले मेले पे दौड़ाना भी है इसको। नुकरा भी साफ सुथरा हो के खड़ा हुआ है, खरखरे हुए हैं घोड़ों को। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई यार रोज़ व्लॉग आया करें, तो कोशिश मेरी पूरी होती है रोज़ व्लॉग आए, लेकिन हो जाता है, मिस हो जाता है कभी कभार। मैं बना देता हूँ लेकिन वो बहुत छोटा सा, फिर क्लिप से छोटे छोटे बनते हैं। अभी जी इकराम कैसे करने लगा, सब घोड़ों का सामान उनके सामने पड़ा हुआ है, कच्चे की नारी है, नुकरे को करने लगा। कल सवारी हुई है चारों घोड़ों पे सवारी हुई है। कल नुकरे पे हारिस भी चढ़े हैं, बछेरे पे उस्ताद साहब, और ये यसूब पे मेरे ख्याल से शरियार भी चढ़े हैं, और मुश्के पे बासित भी चढ़े हैं। पितर भी वो भेजा हुआ है धूप लगवाने के लिए, दे रहा है जी सुल्तान को मसाला, बाकी सब घोड़ों को भी मसाला देते हैं। शाइन देखें जी माशाल्लाह इसकी, काफ़ी अरसा हो गया इसे नलाया नहीं है, लेकिन शाइन फिर भी आप देखें इसकी। क्यों इकराम सारों घोड़ों को देना मसाला जी? ये जी मसाले की पिनियाँ जो गनशाई भी कहा गया था, इस साइड से कुछ पक्के दाग, उस इकराम है भी तो साड़ना खरखर अभी नहीं मारा वाने। चलते हैं बस थोड़ी देर में ऑफिस जाते हैं, फिर वापस आएंगे तो 2-2.5 बजे तक डेरे पे आऊँगा, तो फिर इंशाल्लाह आगे भी आपको कुछ दिखाएंगे। कासिम गया हुआ है छुट्टियों पे, कासिम छुट्टी पे गया हुआ है घर, तो आ गया था जी मैं डेरे पर ऑफिस से। तितर यहाँ पे नर को आज़ाद छोड़ा, वो उड़ता नहीं है, ये मादी बंद है इसकी, साथ काला तितर। सुल्तान कैसा हुआ वह खड़ा हुआ, यसूब इब्ने मोर, बाकी दोनों बछेरे अंदर कर दिए, बाकी ये लूसन देखें काफ़ी उड़ के अब माशाल्लाह। बस अब थोड़े दिनों तक इसको भी हाथ छत लगाते हैं फिर आप। घोड़ों को जी अब मुकम्मल रेस्ट दे दिया, 2-1 महीने अब इनको रेस्ट है, बाकी घोड़े अंदर हो गए हैं, बस थान वगैरह इनसे बनवाते हैं, वो पहला कमरा नुकरे का, तब तक इंशाल्लाह 2-1 महीने रेस्ट है, तब तक इंशाल्लाह अल्लाह ने किया तो बछेरा भी तैयार हो जाएगा। तितर को देखें चूज़ों के साथ लड़ने के लिए आया, अभी दिखाते हैं आपको। हाँ
इनका भी बोलने का सीजन चला गया है, ये गर्मियों में बोलते हैं, सर्दियों में ये बिल्कुल चुप हो जाते हैं, गूंगे बन जाते हैं ये। देखें जी लाड़े आपस में दोनों, दोनों को छोड़े तो एक दूसरे को सही जख्मी कर देंगे। माने इन्हें भी अंदर करते हैं, धूप अब ख़त्म होने लगी है तो इन्हें भी आप अंदर करते हैं, पकड़ते हैं जी। ये जी निसार चाचू को देख पकड़ रहा, क्यों चाचा पकड़ लिया आपने? खा चाचा उतर कर इसके जी, केल देखें, केल देखें आप खाली सुइयों की तरह नोके हैं इसकी, चेक करें। घोड़ी को अंदर करने लगा जी इकराम, ये घोड़ी मिली हुई है सागर घोड़े से सनी खान वाले, हमारे पास आई थी तो काफ़ी कमज़ोर थी, आई थी तब की भी पिक्चर लगाऊंगा तो भी काफ़ी बात हो गई है, दुआ करें बस ये ठहर जाए। सागर घोड़े से मेट हुई है ये घोड़ी, देखे जी सवारी कर रहा है इकराम इस पे, क्यों इकराम घोड़ी पे सवारी कर रहा है, समझ नहीं आऊंगा पहली बार ही चढ़े असी थे वन। देखें जी इकराम को कक्की के नखरे देखें, घोड़ी के खाली नखरे देखें आप, चेक करें नखरे इसके, पहली दफा ही सवारी कर रहे हैं इस पे आप, पहले जहाँ से आई है वहाँ पे सवारी होती थी मेरे ख्याल में, लेकिन हम लोग पहली दफा कर रहे हैं। क्रिकेट भी खेलने लगे हैं जी, उछल फेरी आगू पकड़ो तो लात मार दी यार, लात ना डाल ना कौन लात करना थोड़ी क्या, बस हो बस लात, बस हो लात, बस कम डाउन, क्या हो यार इकराम क्या जी रही सवारी, बस में मजा आ गया है जो कोड़े ने सवारने भी नहीं है हमारा मैच शुरू है और चाचा इधर से आ रहा है साग तोड़ के, बाबा के पाट के आंदे खा गए पुत्र खा गए थोड़े दिहाड़े न तेरे, इसके भी थोड़ा टाइम रह गया है जी, फिर इंशाल्लाह मेलों पे नज़र आएगा ये आपको शान सुल्तान अल्लाह के हुक्म से। पीछे पीछे है क्या, क्या मसला बहुत प्यारा बेटा है जी, ये बहुत शरीफ घोड़ा है, नाम जी इसका फाइनल कर लिया, नाम इसका याद फ़ख्र सुल्तान रखा, काफ़ी मिलता जुलता है उससे फ़ख्र सुल्तान से जो हमारा घोड़ा मर गया कुछ टाइम पहले ही मरा है, ये इसी थान में होता था और इसी थान में मरा भी है, अभी इसका नाम याद फ़ख्र सुल्तान रखा है, इंशाल्लाह अल्लाह इसे लम्बी ज़िंदगी दे। और उस घोड़े के मरने के बाद जी ये थान पर किसी और घोड़े को नहीं बांधा, तो उसकी जितनी चीज़ें थी वो भी किसी घोड़े को नहीं, भी काठी भी थी जो स्पाट भी थी वो भी किसी और घोड़े को नहीं रखी हमने, और यही था बेचारा जो उस साथ का घोड़ा मिलेगा वो उसी को इस कमरे में भी लाएंगे और सारी चीज़ें भी उसी को डालेंगे, फिर वो काफ़ी सारी चीज़ें थी उसकी अलग है, दलारे वगैरह भी घोड़े की काठी वगैरह भी सारी उसी की, किसी घोड़े को नहीं डाली बेचारा उसकी काठी है, फिर इंशाल्लाह देखें आप ये आ गया ज़्यादे फ़ख्र सुल्तान
सब बताएं नाम कैसा है, पसंद आया सबको। और जी चलते हैं, मैंने हॉस्पिटल जाना है रात को, अबू से काफ़ी ठंड परेड हुई है, बिस्ती हुई है कि पाँव मेरा फिर मुड़ गया था और इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा दर्द है, चलने फिरने फिरने भी मुश्किल होती है, तो बस हो जाते हैं हॉस्पिटल, एक्सरे वगैरह कराता हूँ। और सब बताएं इसका नाम कैसा है, कमेंट में लाजमी बताएं भाई, फ़ख्र याद फ़ख्र सुल्तान कैसा नाम है, सूट करता है कि नहीं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।